गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स इन द प्रीवियस वीडियो आई हैव एक्सप्लेन यू दिस चैप्टर इन शॉर्ट फॉर्म द चैप्टर वॉज रिवॉर्ड फॉर ऑनेस्टी टूडे वी आर गोइंग टू रीड द चैप्टर सो यू हैव टू ओपन पेज नंबर ट्वेंटी नाइन सो हेयर वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ रिच मर्चेंट वंस लॉस्ट पाउच ऑफ कॉइंस इन द मार्केट प्लेस तो एक बार की बात है मर्चेंट का मतलब क्या होता है एक रिच मर्चेंट मतलब एक पैसे वाला ही आदमी जो सामान बेचता था और ख़रीदता था वो अपना एक कॉइन से सिक्कों से भरा हुआ पाउच मार्केट प्लेस में कहीं घुमा दिया अ पुअर ओल्ड वुमेन फाउंड द पाउच एक पुअर सी ओल्ड वुमेन एक गरीब वूमेन को जो बहुत ही ओल्ड थी उनको वो पाउच मिला शी ओपनड इट एंड सॉ दैट हैड अंड्रेड गोल्ड कॉइन्स तो उसने वो वो ओल्ड लेडी ने उस पाउच को खोला और उसमें देखा कि उसमें हंड्रेड गोल्ड कॉइन्स हैं जस्ट एज शी वॉज वंडरिंग हुज पाउच इट वॉज और वो सोच ही रही थी कि ये किसका पाउच है शी हर्ड द मर्चेंट शाउट उसने उस उस मर्चेंट को चिल्लाते हुए सुना अ रिवॉर्ड अ रिवॉर्ड मतलब एक इनाम आई विल रिवॉर्ड एनी वन हु फाइंड्स माई पाउच जो मेरे पाउच को ढूंढेगा मैं उसे इनाम दूंगा द हॉनेस्ट वूमेन गेव द पाउच टू द मर्चेंट वो वूमेन थी थी जो वो बहुत सच्ची थी इसीलिए उसने वो पाउच मर्चेंट को दिया हेयर इज योर पाउच शी सेड उसने कहा ये रहा तुम्हारा पाउच विल यू गिव मी माई रिवॉर्ड अब क्या तुम तो मुझे मेरा इनाम दोगे रिवॉर्ड सेट द मर्चेंट वो मर्चेंट बोलता है ग्री डीली मतलब वो बहुत लालची रहता है काउंटिंग इज़ गोल्ड कॉइन्स और वह अपने गोल्ड कॉइन को गिनता है माओ माई पाउच है टू हंड्रेड कॉइंस ऑफ गोल्ड तो वो कहते हैं कि मेरे पाउच में दो हंड्रेड कॉइंस थे गोल्ड के सोने के यू हैव ऑलरेडी स्टोलन मोर देन द रिवॉर्ड गो अवे तो वो बोलते तुमने इनाम से ज़्यादा तो चोरी कर ली है इसीलिए तुम अब यहाँ से जाओ आई एम पुअर बट आई एम हॉनेस्ट तो जो वुमेन रहती है जो ओल्ड लेडी रहती है वो कहती है मैं भले ही गरीब हूँ लेकिन मैं हॉनेसट टू मैं सच्ची हूँ सेट द ओल्ड वुमेन आई विल गो टू द क्वीन्स पैलेस एंड आस्क फॉर हेल्प तो वो कहती है कि अब मैं क्वीन के पैलेस में जाऊँगी और वहाँ पे मैं उनसे मदद मांगूंगी द क्वीन कॉल्ड द मर्चेंट तो जो क्वीन रहती है वो मर्चेंट को बुलाती हैं एंड लिसन टू बोथ साइड्स ऑफ द स्टोरी और दोनों तरफ की कहानी वो सुनती हैं देंट शी सैड और फिर क्वीन बोलती है आई बिलीव यू बोथ मुझे तुम दोनों पर यकीन है योर पाउच है टू हंड्रेड काइन्स तुम्हारे पाउच में टू हंड्रेड काइंस थे कि, किसके गोल्ड के सोने के दिस पाउच दैट द वमेन फाउंड और जो पाउच <coughs> जो जो पाउच वुमेन को मिला है उसमें सिर्फ हंड्रेड कॉइंस है और तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पाउच में टू हंड्रेड कॉइंस थे सो दिस कैन नॉट बी योर पाउच तो ये पाउच तुम्हारा नहीं हो सकता है द क्वीन सेट टू द मर्चेंट ऐसा क्वीन कहती है किसको मर्चेंट को दैन द क्वीन गेव द पाउच ऑफ अ हंड्रेड गोल्ड कॉइंस और फिर वो हंड्रेड गोल्ड कॉइन्स का पाउच क्वीन दे देती है टू द ऑनेस्ट वुमेन तो क्वीन वो पाउच दे देती है किसको उस ओल्ड लेडी को जो सच बोल रही थी द मर्चेंट हैड नथिंग टू से फिर मर्चेंट के पास कुछ बोलने के लिए ही नहीं बचता है ही न्यू दैट दिस वॉज इज पनिशमेंट उसको समझ में आ जाता है कि ये उसकी पनिशमेंट है फॉर बींग डिसऑनेस्ट एंड ग्रीडी जूठा और लालची होने के कारण ही उसको ये पनिशमेंट मिली है सो हेयर वी हैव कम्पलीटेड एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर नंबर वन नाव वी आर गोइंग टू डू एक्सरसाइज गिवन ऑन पेज नंबर थर्टी वन टिक द करेक्ट आंसर हु सेट द फॉलोइंग वर्ड्स ये वर्ड्स किसने कहे हेयर इज योअर पाउच हेयर इज योर पाउच किसने कहा था द ओल्ड वुमेन द मर्चेंट द क्वीन तो ये ओल्ड वुमेन ने कहा था इसलिए हम यहाँ पर टिक कर देंगे रिवॉर्ड रिवॉर्ड कौन बोलता है द मर्चेंट द क्वीन की और वुमेन तो रिवॉर्ड के लिए बोलता है द मर्चेंट आई एम पुअर बट आई एम हॉनेस्ट मैं गरीब हूँ पर मैं हॉनेस्ट हूँ तो ये लाइन्स कौन बोलता है ओल्ड वुमेन आई बिलीव यू बोथ मुझे तुम दोनों पर यकीन है ऐसा कौन बोलता है द क्वीन सो हमने यहाँ पे अपने टिक द करेक्ट आंसर को कर लिया है नाउ वी आर गोइंग टू डू एक्सरसाइज नंबर बी कंप्लीट दी सेंटेंसेज विथ वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी नाउ वी हैव टू कंप्लीट दी सेंटेंसेज फ्रॉम द स्टोरी सो आवर फर्स्ट सेंटेंस इज़ अ रिच मर्चेंट वंस लॉस्ट हिज डैश इन द मार्केट प्लेस तो उसने क्या खो दिया था पाउच ऑफ कॉइंस तो यहाँ हम लिखेंगे पी ओ यू सी एच पाउच ऑफ सी ओ आई एन एस कॉइंस द ओल्ड वुमेन ओपनड इट एंड सो अ डैश गोल्ड कॉइंस तो ओल्ड वुमेन ने उसको खोला और क्या देखे कितने कॉइंस हंड्रेड एच यू एन डी आर ई डी हंड्रेड गोल्ड कॉइन्स थर्ड वन इज़ यू हैव ऑलरेडी डैश मोर देन द रिवॉर्ड तुमने ऑलरेडी रिवॉर्ड से ज़्यादा तो क्या कर लिया है चोरी कर लिया है ऐसा कौन बोलता है मर्चेंट बोलता है तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्टोलन फोर्थ वन इज आई विल गो टू द queen's डैश एंड आस्क फॉर हेल्प तो वो कहाँ जाने को बोलती है जो ओल्ड लेडी रहती है आई विल गो टू द क्वीन्स पैलेस द क्वीन called द फिर क्वीन किसे बुलाती है मर्चेंट सो हेयर वी हैव completed. Our exercise number A and exercise number B. Now in the next video we will continue with our question and answer. So you have to write word meanings in your copy.